हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्याय 7 दान का हिसाब। कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट है ये, जो कि आपके PT1 में तो नहीं आएगी, लेकिन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। राजा की राज्यसभा में किस प्रकार के लोग आते थे, तो यहाँ आपको बताना है किस तरह के लोग यहाँ आते थे, विद्वान, सज्जन, दुखी, गरीब या नामी। तो यहाँ पर सिर्फ दुखी और गरीब लोग आते थे, क्योंकि विद्वान, सज्जन और नामी लोगों का यहाँ कोई सम्मान नहीं होता था। राजा के देश में कौन सी प्राकृतिक विपत्ति आ गई थी, अकाल आ गया था। प्रजा के लोगों ने राजा से कितने रुपए की सहायता मांगी थी, सिर्फ 10,000 की सहायता मांगी थी। किसकी मदद करना राजा का कर्तव्य है, जरूरतमंदों की। राजा कैसे कपड़े पहनता था, राजा बिल्कुल महंगे और लकदक कपड़े पहनता था। राजा किसे दान देने को तैयार हो गया, सन्यासी को दान देने को तैयार हो गया, वो इसलिए क्योंकि सन्यासी ने सबसे कम पैसे मांगे थे। सन्यासी ने पहले दिन भिक्षे में कितने रुपए मांगे थे, सिर्फ 1 रुपया। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। राज्यसभा में दुखी, विद्वान, सज्जन और गरीब सभी का आदर सत्कार होता था, बिल्कुल गलत, गरीबों का कोई सत्कार नहीं होता था। राजा दिल खोलकर दान करता था, ये भी गलत है, बिल्कुल दान नहीं करता था वो। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, बिल्कुल ठीक है। महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राजा ने क्रोध में कहा, मेरा रुपया आप प्रजाजन का ही है, बिल्कुल गलत, ऐसा राजा ने कभी नहीं कहा। उसने कहा था, ये मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे जो मर्जी करूँ। निम्न शब्दों में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ आपको हिंट्स दे रखी हैं, इन हिंट्स को लेकर आपको पूरा करना है इसे। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे, राजभंडार सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि राजभंडार में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, महाराज तो कभी किसी को इतना धन देते ही नहीं। उसने ये बात मंत्री को जाकर बताई। ये गद्यांश है। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया, सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। भंडारी ने हिसाब का कागज़ किसे दिया और क्यों। मंत्री को दिया, हम यहाँ पर लिखेंगे कि उसने हिसाब का कागज़ मंत्री को दिया। क्यों दिया, क्योंकि हिसाब बहुत ज़्यादा था। मंत्री जी को संभाल कर कहाँ और किसके द्वारा ले जाया गया, मंत्री जी को संभाल कर राजा के पास ले गए, क्योंकि हिसाब देख कर उन्हें चक्कर आ गया था। मंत्री ने राजा को क्या बताया, मंत्री ने बताया कि राजकोष खाली होने वाला है। चक्कर जैसे दो अन्य शब्द लिखिए, क कम जिसमें आता हो तो चक्का और पक्का, विलोम शब्द बड़ी छोटी खाली भरा। राज्यसभा में कौन से लोग नहीं आते थे और क्यों। राज्यसभा में विद्वान और पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ उनका आदर सत्कार नहीं होता था। अकाल पड़ने की खबर सुनकर राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा, ये तो भगवान की मार है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रजा के एक व्यक्ति के अनुसार महलों में प्रतिदिन हजारों रुपए किस पर खर्च किए जाते हैं, महल में रोज हजारों रुपए सजावट, कपड़े और सुगंधित वस्त्रों पर खर्च किए जाते हैं। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, राजा बहुत कंजूस था, इसीलिए वो किसी को दान नहीं देना चाहता था। वो ये सोचता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने क्रोधित होकर व्यक्ति से क्या कहा, राजा ने कहा, मेरा पैसा है, मैं चाहे जो करूँ। किसने कहा, किससे कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। दरबारी ने सन्यासी से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश नहीं दिया था। राजा ने राजभंडारी से कहा, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, ये बात राजा ने सन्यासी से कही थी। महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, सन्यासी ने राजा से कहा था। राजा ने यह ठीक नहीं किया, एक दरबारी ने दूसरे दरबारी से कहा था। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, दिवालिया जो कर्ज नहीं चुका सकता, अकाल यानी अशुभ समय, प्रकोप यानी बहुत अधिक गुस्सा, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकार, प्रसिद्धि जाना माना, लाचार मजबूर। आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि जिसका मीनिंग सेम होता है। कपड़े वस्त्र, खत्म समाप्त, राजा भूख, धन रुपया पैसा, खुश प्रसन्न, खुद अपने आप,
कष्ट पीड़ा सागर समुद्र। विलोम शब्द है बंद खुला, विद्वान मूर्ख, जीवित मृत, दुखी सुखी, सज्जन दुर्जन, गरीब अमीर, मुश्किल आसान, इच्छा अनिच्छा, छोटे बड़े, कम अधिक। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ आपको गलत दे रखा है, यहाँ स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखना है। तो वर्तनी ठीक करनी है आपको, पूर्वी, प्यासे, भूकंप, दिवालिया, दुखियों, इन सभी स्पेलिंग्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम में वर्तनी में ये स्पेलिंग्स आती हैं और आपको ये आनी चाहिए। कुछ मुहावरे हैं जो कि कहानी में आए थे। मुट्ठी बंद होना यानी दान देते समय राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। चेहरा फीका पड़ना, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। यहाँ पर कुछ संज्ञा और क्रिया है यानी काम वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। कर्ण, मंत्री, पंखा, रुपया, ये सब संज्ञा है, नाम वाले शब्द हैं। क्रिया जाएगा, करूँगा, गिड़गिड़ाना, ये सब क्रिया है। यहाँ आपको क्रिया का सही रूप चुनकर या ठीक करके लिखना है। लोग दान देंगे, मेरी पूरी भिक्षा दो, मजाक क्यों कर रहे हो, राजा बेहोश हो गया, मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। राजा के गुण और दोष लिखने हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि जो गुण होते हैं, मतलब जो अच्छी क्वालिटी होती है उसको गुण कहा जाता है। तो गुण में हम लिखेंगे कोई नहीं, राजा में कोई गुण नहीं था। लेकिन जब दोष की बात आई थी, दोष यानी उसके अंदर कौन कौन सी बुराई थी, तो दोष में हम ये सब लिखेंगे, राजा के अंदर इतने दोष थे। मंत्री में भी हम लिखेंगे, मंत्री में भी कोई गुण नहीं था, वो भी एक डरपोक इंसान था। और जब दोष की बात आएगी तो उसके अंदर ये सारे दोष थे, क्योंकि गलत का साथ देना भी गलत ही होता है। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी के अंदर केवल गुण था, दोष कोई नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम। मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जान को का मतलब होता है जीवन, और जान का मतलब होता है कुछ जानना। तो ऐसे शब्द हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं, इसका वाक्य भी आप बनाएंगे। मन यानी दिल, मन यानी तोलने का तरीका, पता यानी मालूम होना, पता यानी घर का पता, इसका वाक्य भी आप बनाएंगे। इस तरह से आप इन सबके वाक्य बना लेंगे। वाक्य बनाते समय ध्यान रखेंगे कि वाक्य हमेशा छोटे होने चाहिए ताकि उसमें गलती ना हो। लास्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राजा के बारे में आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है। राजा एक कंजूस आदमी था, वह स्वार्थी और अहंकारी था, वह बहुत शौकीन था पर अपनी प्रजा के लिए निर्दयी था। सन्यासी का ध्यान हिसाब का देखकर वह डर गया, वह मूर्ख और कमज़ोर दिल का आदमी था। इस तरह से आपको हिंट्स कभी कभी मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया से लिख पाएंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।